नमस्कार जी, मैं अमरजीत सिंह मलेशिया के कुआलालंपुर एयरपोर्ट से बोल रहा हूँ। यहाँ पे हमारे पास कम से कम 300 के करीब इंडियन भारतीय जितने भी हैं वो सारे फंसे हुए हैं। इसमें साउथ इंडियन हैं, पंजाबी हैं, लगभग सारे इंडिया से हैं। और जो फंसे हुए हैं, हम पिछले 3 दिन से यहाँ फंसे हुए हैं। हमने 2 या 3 बार टिकटें खरीदी हैं। अब हम लोगों के पास पैसे भी ख़त्म हैं और खाने के पैसे भी बिल्कुल नहीं हैं। हम लोग इतने परेशान हैं। कल से हमें ना तो किसी एम्बेसी ने कॉन्टैक्ट किया है और ना ही हमने एम्बेसी में कई बार कॉल किया है, कोई भी यहाँ पे फ़ोन नहीं उठा रहा। उसके अलावा हमने सोशल मीडिया पे बहुत सी वीडियो डाली है, हमने न्यूज़ चैनल वालों को भी भेजा है, लेकिन हमारी कोई भी न्यूज़ का कोई असर नहीं हुआ। आज मैं आपको बता दूँ, ये दुनिया के कितने ही देशों से यहाँ पे लोग आते हैं जाते हैं, किसी एक भी देश का आदमी यहाँ पे फंसा हुआ नहीं है। किसी भी एक देश, ओनली आर इंडियंस, सिर्फ इंडियन फंसे हुए हैं। अगर आप तक, प्रशासन तक, हमारी इंडियन गवर्नमेंट तक आवाज़ पहुंच रही है, तो आपके अलावा हमें कोई यहां से निकालने वाला नहीं है। प्लीज़ हमें यहां से निकालिए। छोटे छोटे बच्चे हैं और आप, हम बातें करते हैं, पाकिस्तान का एक भी नागरिक यहां पे नहीं फंसा हुआ है। वो छोटी कंट्री है, वो सबसे हमसे बहुत कमज़ोर है, उनका एक भी नागरिक नहीं फंसा, लेकिन हम लोग फंसे हुए हैं। हमें आज यहां पे शर्म महसूस हो रही है। हमें जल्दी से जल्दी निकाला जाए। कब निकालेंगे? जब हम लोगों को भी कोरोना वायरस हो जाएगा, या हम लोग भी मर जाएंगे, या हम लोगों को यहाँ से आप जिंदा निकालेंगे। प्लीज़ हमारी बात सुनिए, ध्यान से सुनिए। ये बच्चे भी हैं यहाँ पे, बूढ़े भी हैं, और हमारी ये एमपी से आए हुए हैं, कुछ पंजाब से हैं, और बहुत सी उधर, आप कैमरा वालों को रिक्वेस्ट करूँगा उधर दिखाइए, बहुत से ऐसे लोग फंसे हैं जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं। अगे भी दिखा गया, परले पास भी जी। देखो छोटे छोटे बच्चे, हमारा वीडियो बोलो तो सही। पहले बतलाइए आप कहाँ से हो? मैडम बतलाइए आप कहाँ से हो? गुजराती में नहीं, हिंदी बोलो। हाँ, हम लास्ट 3 दिन से एयरपोर्ट पे सोए हुए, हमारी कोई मदद नहीं कर रहा है। इंडियन एम्बेसी हमको कोई जवाब नहीं दे रहा है। हम यहीं पे है और हमारे पास ना यहाँ नहाने की सुविधा है, कोई सुविधा नहीं है। अगर कल हम